यूनियन ने जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई किया है तब से उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा है जहां लीगल फील्ड के मेंबर से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें की अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी राहुल गांधी और भी कई लोग यूनियन को फटकार ही रहे थे किसी पता था कि इस लिस्ट में एक फॉरेन कंट्री की भी नज़र अब इंडिया पर सी की वजह से आ टिकेगी यहाँ हम बात इंडिया यू में हो रही बहस की कर रहे हैं जहाँ यू ने कहा है की वे इंडिया के सी ए एक नज़र रखेंगे जिसे लोग एंटी मुस्लिम भी कह रहे हैं वही दूसरी ओर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बोल बोल कर थक गए हैं कि ये एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है और ना ही किसी की भी सिटीजनशिप को छीनने की कोशिश करेगा इसी के बीच एक फटकार यूनियन को ए आई एम आई एम चीफ असउद्दीन ओवीसी की भी लगी है वो इज नॉट अ मैटर रिस्ट्रिक्टेड टू पॉलिटिकल पार्टीज दिस इज अ मैटर फॉर द होल नेशन Do डू यू वॉन्ट टू मेकिन करोड़ मुस्लिम स्टेटलेस won't pass even the reasonable test. हालांकि आपको बता दे कि यूनियन ने इसका भी दावा किया है कि ये एक्ट रीजनेबल टेस्ट को पास कर लेगा पर लोग यूनियन की बातों से सहमत नहीं दिखे हैं और ये मामला अब सीधे सी जी आई डी वाई चंद्रचूर के सामने जा पहुंचा है आपको बता दे कि जहाँ एक समय में सी जी आई के सामने सिर्फ पाँच एप्लीकेशन फाइल हुए थे वही अब जाकर इन एप्लीकेशन की संख्या 237 हो गई है जिसमें से मैक्सिमम ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर एक स्टे की मांग रखी है इस केस के मेन पिटिशनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मामले की हियरिंग सीजीआई ने 19 मार्च के लिए फिक्स की थी और हियरिंग के दौरान यूनियन की ओर ऐसी मौजूद सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो पॉइंट रखा है वो सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सारे लॉयर्स भड़क गए जिसमे की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इंदिरा जयसिंह निजाम पाशा और भी कई लोग मौजूद थे लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट की थ्री जज बेंच जिसमें की सी के अलावा जस्टिस जे बी पर्दी वाला और मनोज मिश्रा शामिल है ने जैसे ही मामले की हियरिंग शुरू की तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक रिक्वेस्ट करने की बात की हालांकि इसी पॉइंट पर भी सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने उन्हें टोका कि क्या पिटिशनर्स को पहले बोलने का हक नहीं है एच मेहता ने कहा की पिटिशनर्स को हक है पर वे सुप्रीम कोर्ट बेंच ऐसी मामले में एक्स्ट्रा टाइम की मांग करना चाहते हैं एंड स्टेटेड आर आई टू रिप्लाई Seeking time, I need time to collate, etc. The act does not take away anyone's citizenship. There is no prejudice caused to the petitioners. ये कहते हुए एस ने चार हफ्तों का टाइम मांग लिया हालांकि ये सुनते ही सारे एडवोकेट एक के बाद एक सी के सामने अपने पॉइंट्स रखने लगे जिसमें यूनियन को काउंटर करते हुए और उन्हें फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इतना ज्यादा समय यूनियन मांग कैसे रही है वो भी सिर्फ एक रिप्लाई फाइल करने के लिए सिबिल ने आगे ऐड करते हुए भी कहा इफ द प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप स्टार्ट्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स इफ दे हैव टिल नाउ दे कैन रेट टुलाई और वेन एवर दिस को मैटर देर इज नो ग्रेट अर्जेंसी सिर्फ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि एडवोकेट निजाम पाशा ने भी यूनियन के टाइम की मांग आरोप सवाल उठाया है की जिस रिप्लाई को फाइल करने की मांग एस जी मेहता कर रहे है वो तो यूनियन ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो बता किस रिप्लाई के लिए यूनियन टाइम मांग रही है पाशा स्टेटेड

मेहता की ये बातें सुनकर गुस्सा हो गई और पलट जवाब देते हुए कहा दैट्स नॉट द इशू इशू इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सिबल ने भी यहाँ एड करते हुए कहा दीज आर सीरियस इशूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ SC की टाइम एक्सटेंशन की मांग सुनते हुए CJI ने स्टेट किया इन जनवरी 2020 द कोर्ट हैड इशूड नोटिस इन प्लीज चैलेंजिंग CAA नाउ द केस अराइजेस एस CAA रूल्स आर नोटिफाइड SG सीक्स टाइम टू रिप्लाई टू द पिटीशन सीकिंग स्टे ऑफ द CAA एंड द रूल्स वी डायरेक्ट दैट द प्रोसीडिंग्स बी लिस्टेड आफ्टर 3 वीक्स फाइल द रिप्लाई ओनली इन वन केस रिस्पांस नॉट नीडेड इन ऑल द पेटिशंस रिप्लाई कैन अपोज द इंटरिम प्रेयर एस जी ने अपनी सफाई में कोर्ट को समझाते हुए कहा माई रिक्वेस्ट वॉज ऑन रियलिस्टिक बेसिस मेनी ऑफ द मैटर है इस पॉइंट पर हालांकि बेंच ने एस जी को कहा कि केसेस के मैटर तो सेम ही रहेंगे जिसके बाद सी जी आई ने एस जी को तीन हफ्तों का टाइम दे दिया एंड स्टेटेड वी विल गेप ऑन नाइन्थ वी विल गिव यू थ्री वीक्स सी जी आई की ये ऑर्डर सुनकर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से एक ऑर्डर देने की मांग की जिसमें की ये साफ साफ हो मैं यूनियन इस केस की हियरिंग के दौरान कोई सिटीजनशिप नहीं दे सकती है

और एटलीट एन ऑब्जर्वेशन दैट एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द केस इस पॉइंट पर सी ने पिटिशनर्स को समझाते हुए कहा कि यूनियन इतनी आसानी से किसी को सिटीजनशिप नहीं दे सकती है चीफ जस्टिस चंद्रचूर पॉइंटेड आउट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव नीदर द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर द कमिटीज प्रोसेसिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशंस इन प्लेस ये सब सुनकर सिबिल ने कहा कि इन सब के अलावा जैसे भी यूनियन कोई कदम उठाएगी तो पिटिशनर्स को ये परमिशन हो की वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं एंड सजेस्टेड द मोमेंट समथिंग लाइक दिस हैपेंस गिव अस लिबर्टी टू मूव हियर जिस आश्वासन देते हुए सी आई डी वाई चंद्रचूर ने कहा वी आर हियर इसी के साथ द बेंच ऑल्सो पास एन ऑर्डर अपॉइंटिंग सेपरेट नोडल काउंसिल फॉर द ऑफ क्लेशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा एडवोकेट अंकित यादव वॉज अपॉइंटेडिशनर साइड वाल एडवोकेट कन्नू अग्रवाल फॉर द रिस्पोंडेंस आपको बता दी कि इसके बावजूद भी हियरिंग में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिले थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो की उन लोगों को राइट टू सिटीजनशिप देता है जो बाहर देश ऐसी आए हैं और जिनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ है के लिए सिटीजनशिप अमेन्डमेंट एक्ट खुशी की बात है पर जब उसी को चैलेंज किया जा रहा है तो उनकी ओर ऐसी भी लोग कोर्ट में मौजूद थे सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार एक हिंदू इमिग्रेंट फ्रॉम बलोचिस्तान की ओर से मौजूद होकर कह रहे थे दिस इंडिविजुअल वोसिक्यूटेड इन बलोचिस्तान इफ दे आर गिवन सिटीजनशिप हाउ विल इट अफेक्ट यू जिसका करारा जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट जय ने कहा दे विल गेट द राइट टू वोट दैट इज हाउ इट अफेक्ट मी वी कैन आर्ग्यू ऑन मेरिट्स राइट नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंटी मुस्लिम लॉ है को हाईलाइट करने के लिए एडवोकेट निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा The law is allowed to come into operation where it's like lining up people in front of a firing squad where it is said all persons not belonging to X religion can step out of line. That's the prejudice caused. Now, for the non Muslim persons outside of the NRC, their applications can start getting processed under the CA, while only the Muslim members are left out of this exercise.

ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको बता दे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलावा असम कांग्रेस लीडर दिबाब राइकिया असोम जतिया तबड़ी युवा छात्रा परिषद अरिजनल स्टूडेंट आउटफिट डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन केरला स्टेट द्वारा भी एक एप्लीकेशन इस केस में फाइल हो चुका है इन्हीं सब के बीच यूनियन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है लोगों को समझाने में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है और ना ही इंडियन सिटीजन से उनकी सिटीजनशिप छीनी जाएगी और दूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिलीज अ लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटलीस्ट क्वेश्चन टीटिंग दट नो इंडियन सिटीजन वुड बी रिक्वयर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 through this release the ministry sought to allay fears amongst indian muslims emphasizing that the caa does not impact their citizenship according to the ministry the act has no bearing on the present 18 crore indian muslims वो इंजॉय इक्वल राइट एज दिंदू काउंटर पार्ट हालांकि मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है जब ये सारे स्टेटमेंट जो की एफ का हिस्सा थे को होम मिनिस्ट्री द्वारा थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज किया गया था वो लेटर पुल डाउन फ्रॉम द आई बी वेबसाइट तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में सी क्या कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट और कौन सा फैसला ले सकती है